दोस्तों, अगर आप भी OBS स्टूडियो एप्लीकेशन का यूज करके YouTube पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने लैपटॉप या फिर PC में OBS एप्लीकेशन को यूज करके बहुत ही आसानी से लाइव स्ट्रीम को कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको OBS एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कैसे आपको सीन्स ऐड करने हैं, कैसे सोर्सेस आपको ऐड करने हैं, कैसे आपको सेटिंग्स करनी है, कैसे आपको अपने YouTube चैनल को कनेक्ट करना है OBS स्टूडियो एप्लीकेशन के साथ में। कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। मैं करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों, सबसे पहले डाउनलोड करते हैं OBS स्टूडियो एप्लीकेशन को, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे आपको कंप्लीट सेटअप करना होता है। OBS स्टूडियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने लैपटॉप या फिर PC के अंदर सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद OBS स्टूडियो सर्च करना है। जैसे ही आप OBS स्टूडियो सर्च करेंगे, आपके सामने OBS स्टूडियो के यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसी पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप OBS स्टूडियो की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आपका लैपटॉप या फिर PC विंडोज है तो विंडोज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, macOS है तो macOS के लिए कर सकते हैं, या फिर लिनक्स के लिए कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर विंडोज लैपटॉप है तो मैं यहाँ पर विंडोज पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप विंडोज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OBS एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। 127 MB का यहाँ पर एप्लीकेशन है तो डाउनलोड होने में भी ज्यादा इसे टाइम नहीं लगता है, और आपके लैपटॉप या फिर PC की स्पेसिफिकेशंस भी काफी लो है तो भी इसमें वर्क कर जाता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं OBS स्टूडियो एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपको इसे फोल्डर में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करने के बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और जहाँ पर भी इसकी डिफॉल्ट डेस्टिनेशन फोल्डर की सेट हो रही है वहीं पर आप रहने दीजिए और सिंपली इंस्टॉल पे एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो इंस्टॉल होने में भी इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आपको 10-5 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही OBS स्टूडियो एप्लीकेशन कंप्लीट डाउनलोड हो जाता है, आपको सिंपली एक बार फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका OBS स्टूडियो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर आइकन भी दिखने लगेगा, इस आइकन पे क्लिक करने के बाद भी आप इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो जब भी आप OBS स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको सिंपली कैंसिल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोग बाद में करने वाले हैं। तब मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको अपने YouTube चैनल से लाइव स्ट्रीम करने के लिए क्या आपको सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। जैसे ही आप कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह की डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिखाई देती है। आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ सोर्सेस ऐड करने पड़ेंगे। सोर्सेस क्या होता है, बेसिकली जब भी आप YouTube पर लाइव स्ट्रीम करते हैं या फिर कहीं पर भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो हो सकता है आप अपनी स्क्रीन को यहाँ पर दिखाना चाहते हो। जैसे कि अगर आप गूगल क्रोम की किसी विंडो को दिखाना चाहते हैं या फिर आप अपनी पूरी स्क्रीन को दिखाना चाहते हैं, तो वो आपको कैसे ऐड करना होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सोर्सेस के नीचे जो प्लस का आइकन है आपको इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है विंडो कैप्चर का, आपको विंडो कैप्चर पे यहाँ पर क्लिक करना है। ओके करने से पहले आपको सबसे पहले, जैसे गूगल क्रोम को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो गूगल क्रोम मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके करूंगा उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गूगल क्रोम की जो विंडो है यहाँ पर आपको दिखने लगी। आपको एक बार ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल क्रोम की जो विंडो है यहाँ पर दिखने लगी है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल क्रोम की विंडो तो यहाँ पर कैप्चर हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कुछ एरिया ब्लैंक भी है। तो कैसे आपको इसे रिसाइज करना है, उसके लिए सिंपली अगर आप इसे नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आप देखिए पूरी यहाँ पर जो इसकी रेशियो है वो चेंज हो रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसकी हाइट को चेंज करना चाहते हैं या फिर इसकी विड्थ को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है, उसके साथ आपको माउस के राइट बटन को प्रेस करने के बाद नीचे की तरफ स्लाइड करना है। तो आप देख सकते हैं पूरी डिस्प्ले में यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर जैसे कुछ भी आप ओपन करते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब को ही एक बार ओपन कर देता हूँ गूगल क्रोम पे। यहाँ पर मैंने यूट्यूब को ओपन कर लिया है, आप यहाँ पर OBS स्टूडियो के अंदर भी देख सकते हैं जो विंडो है वो यहाँ पर कैप्चर हो रही है। इसी तरह से अगर आप इसमें फेस कैम देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका चेहरा भी दिखना चाहिए लाइव स्ट्रीम के अंदर, वो आपको कैसे ऐड करना है, उसके लिए आपको सिंपली एक बार प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वीडियो कैप्चर डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है, वही आपको यहाँ पर दिख रही होगी। आप हो सकता है कुछ भी बैकग्राउंड आपका दूसरा हो, वो आपको अलग दिख रहा होगा।
इसके साथ ही यहाँ पर इजी कैम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, OBS वर्चुअल कैमरा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा तो यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर मैंने वेबकैम तो नहीं लगा रखा है, जो इंटरनल कैमरा है उससे ही मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। तो ओके पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए पीछे तो यहाँ पर गूगल क्रोम की जो विंडो वो यहाँ पर दिख रही है, लेकिन ये जो डिस्प्ले है उसके ऊपर यहाँ पर पूरे एरिया में दिख रहा है। तो कैसे आपको इसे रिसाइज करना है, रिसाइज करने के लिए आप देखिए अगर इससे प्रेस करने बात करते हैं तो पूरी इसकी जो साइज है वो चेंज हो रही है, लेकिन सिर्फ आपको एरिया कट करना है तो उसके लिए आपको आल्ट प्रेस करना है और राइट बटन को माउस की प्रेस करने के बाद आपको इस तरह स्लाइड करना है। तो आप देखिए कुछ इस तरह से आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। तो जब ये रिसाइज हो जाता है आप इसे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायरेक्टली आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है तो आप चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हट जाए, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करने के बाद फिल्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो प्लस का आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की का, आपको क्या करना है क्रोमा की पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रोमा की पे क्लिक करेंगे तो आप पीछे देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है यहाँ पे हट चुका है। अगर आप चाहते हैं कि गूगल क्रोम की सिर्फ एक विंडो कैप्चर ना हो, यहाँ पर आपकी पूरी डिस्प्ले कैप्चर हो, तो वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पर सोर्सेस ऐड किया था। आपको डिस्प्ले कैप्चर करने के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले कैप्चर का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी डिस्प्ले में OBS स्टूडियो एप्लीकेशन दिख रहा है, इसी वजह से यहाँ पर OBS आपको दिख रहा है। और मेरा जो फेस कैम था वो पीछे चला गया है, मैं उसे स्लाइड करके ऊपर की तरफ अगर मैं कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर फेस कैम भी आना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से आप चाहें तो अपने लैपटॉप या फिर PC की डिस्प्ले को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग करते हैं तो भी आप अपने गेम प्ले को भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाता है गेम कैप्चर का, आपको इसी पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर अभी कोई भी गेम तो ओपन नहीं कर रखा है, इस वजह से यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप एक सिंपल सी लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपका फेस दिखे और उसके पीछे सिर्फ एक बैकग्राउंड दिखना चाहिए, तो बैकग्राउंड भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड हो, आप ग्रीन स्क्रीन यूज ना कर रहे हो। अगर आप ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो आप पीछे कोई नया बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपको सिंपली प्लस आइकन पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पर इमेज पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक इमेज है वो आपको यहाँ पर ब्राउज करनी है, यानी एक इमेज को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर काफी सारी फोटोज हैं, मैं किसी फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस वाली फोटो को मैंने यहाँ पर लगा दिया और आप देख सकते हैं इसके साइज को भी इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। साइज इसका मैंने यहाँ पर कर दिया एडजस्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं फेस कैम पीछे चला गया, इसे आपको स्लाइड करके नीचे लाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने फेस कैम को भी किसी भी फोटो को लगाने के बाद यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि कैसे आपको सीन्स और सोर्सेस को ऐड करना होता है। इसके बाद बात करते हैं कि कैसे आपको अपनी ऑडियो को कैप्चर करना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर लैपटॉप या फिर PC के अंदर जो भी माइक कनेक्टेड है उसका यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा, यानी माइक की आवाज यहाँ पर आ रही है। इसे आप चाहें तो इसकी साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसके साउंड को कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ। डेस्कटॉप ऑडियो का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी वीडियो आप चलाते हैं या फिर कोई भी गेम प्ले करते हैं तो इसका जो भी ऑडियो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होके जाता है इस OBS एप्लीकेशन के अंदर। तो इन्हें भी आप साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों अभी बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में कि कैसे आपको अपने YouTube चैनल को कनेक्ट करना है OBS स्टूडियो के साथ में। तो सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक जनरल का ऑप्शन दिख जाता है, आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीम के ऑप्शन से आपको कनेक्ट करना होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ और सेटिंग्स बता देता हूँ। जैसे कि आउटपुट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बिटरेट सिलेक्ट करना है 4500, क्योंकि 2500 बिटरेट पे यहाँ पर आपके वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी नहीं दिखेगी, तो मैं यहाँ पर 4500 सिलेक्ट कर दिया मैंने। बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी और चेंज करने की जरूरत है नहीं, ऑडियो में भी आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करना है, यहाँ पर जो आपको रेजोल्यूशन दिख रहा है इसके नीचे ड्रॉप डाउन जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 90:20 भी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद आउटपुट स्केल पे भी आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद 90:20 आपको सिलेक्ट कर देना है। और आप अपनी लाइव स्ट्रीम को 30 FPS पे करना चाहते हैं तो आप इसे 30 FPS रहने दीजिए। अगर आप इसे 60 FPS पे करना चाहते हैं तो 60 FPS यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसे भी आप यूज करना चाहते हैं 30 या 60 आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्लिक करना है स्ट्रीम के ऊपर, सर्विसेज पे आपको जाना है। सर्विसेज पे जाने के बाद YouTube RTMPS पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, कनेक्ट अकाउंट, यानी आप चाहें तो अपने YouTube चैनल को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रीम की के थ्रू भी बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मेथड बता रहा हूँ, यूज स्ट्रीम की पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रीम की डालने का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। आपको क्या करना है, अभी आपको अपने गूगल क्रोम को एक बार ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप YouTube Studio एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं उसके बाद सिंपली आपको एक बार लाइव पे क्लिक करना है। जैसे आप लाइव बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी लाइव स्ट्रीमिंग का जो भी सेटअप होता है जो आप करते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ सेटिंग्स भी करते होंगे, वो आपके पास आ जाता है। यहाँ पर नीचे अगर आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रीम की, आपको सिंपली इस पर कॉपी पे क्लिक कर देना है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसका जो लाइव स्ट्रीम का टाइटल यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, थंबनेल आप लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा आप कीवर्ड भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। कस्टमाइजेशन में आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो आपके सब्सक्राइबर के पास जानी चाहिए या फिर सबके पास जानी चाहिए, तो वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन को भी आप ऑन कर सकते हैं। तो ये सब सेटिंग्स तो आप नॉर्मली करते ही होंगे, बस आपको यहाँ पर स्ट्रीमिंग की जैसे आप यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, स्ट्रीमिंग की कॉपी जब आपकी हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रीमिंग की कॉपी करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर इसे एक बार पेस्ट कर देना है। जैसे आप स्ट्रीमिंग की को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इग्नोर स्ट्रीमिंग सर्विसेज सेटिंग्स रिकमेंडेशन, आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक बार अप्लाई पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये कर देंगे तो आपका जो रेशियो है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले जो भी मैंने डिस्प्ले में लगाया हुआ था उसका रेशियो यहाँ पर चेंज दिख रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहां पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका जो साइज है यहां पर एडजस्ट कर दिया है, तो यहां पर 90:20 में आपकी लाइव स्ट्रीम होने के लिए यहां पर रेडी हो चुकी है इस रेशियो में। अगर आप YouTube पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो अगर आप ये जो स्टार्ट स्ट्रीमिंग बटन पे एक बार अभी क्लिक कर देते हैं तो आपके YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर जो स्ट्रीमिंग कनेक्ट स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर टू गो लाइव लिख के आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रीमिंग लिख के आने लगेगा और जो भी आपकी YouTube लाइव स्ट्रीम हो रही है वो आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने YouTube चैनल पर OBS स्टूडियो एप्लीकेशन का यूज करके बहुत ही आसानी से लाइव स्ट्रीम को कर सकते हैं। OBS स्टूडियो के कंप्लीट सेटअप के बारे में मैंने एक और वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी कोई हेल्प हो पाए। इसके अलावा आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं OBS स्टूडियो के बारे में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।